हाल कोरोना महामारी वच्चे सूरतना केटलाक विस्तारोमां खाड़ी पूरे पण तबाही मचावी छे। तेवामां खिदमत चेरिटेबल ट्रस्टना नेजा हेठळ कारी अहमद अली फलाही साहेब तथा लेट युनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट द्वारा मीठी खाड़ी लिंबायत विस्तारमां गरीब लोकोने अनाजनी कीट आपी सराहनीय कार्य कर्युं छे। सूरत शहर विस्तारमां पूरग्रस्त विस्तारमां इंग्लेंडथी मदद करती संस्था खिदमत चेरिटेबल ट्रस्टनी अनोखी कामगीरी जोवा मळी हती, जेमा सूरत में रहता कारी अहमद अली फलाही तथा जुनेद भाई ओरावालाए बधा धर्मना लोको माटे 300 जेटली अनाजनी कीट बनावीने पूरग्रस्त लिंबायत विस्तार में वेची हती। वधुमां आ संस्थाए लॉकडाउन दरमियान पण लोकोनी घणी मदद करी, हमेशा लोको साथे खड़े पगे उभा रहती जोवा मळी छे। अने वधुमां कारी अहमद अली फलाही साहेबे जणाव्युं हतुं के ज्यां सुधी अमे जीवता छीए त्यां सुधी बधा धर्मना लोकोनी मदद करता रहीशुं। इंग्लेंडथी मदद करता मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहेबनो अनोखो देश प्रेम जोवा मळ्यो छे के विदेशमां रहीने पण एक पण भारतवासीने तकलीफमां जोवा नथी मांगता। मेरा नाम जुनेद ओरावाला और ये आज जो पानी आया है मीठी खाड़ी लिंबायत में और जो लोग परेशान है उनके लिए किट बांटने का हमारा प्रोग्राम है और खास करके हमारे हजरत कारी अहमद अली साहब और यूके से ब्लैकबर्न से इनके बड़े भाई मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही, ये इन लोगों की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये काम ये प्रोग्राम तय हुआ और आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे साथ में हमारे बीच में हजरत कारी साहब के मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब के वालिद साहब भी है। आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी एज होने के बाद भी इनको इतना बड़ा शौक़ था कि भाई नहीं अपने भी जाके ये किट बांटे। अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम ये ही है कि और भी दो तीन इलाके के नाम आए हैं, जैसे कि ऊन वगैरह के नाम आ रहे हैं, हम लोग सर्वे करेंगे ऊन में जो संजय नगर है वहाँ पर। तो अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह 5-7 दिन में हमारे बड़े भाई से जो बात चालू हुई है मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब से और हजरत कारी अहमद अली साहब से, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम भी जहाँ जैसी ज़रूरत, समझ लो किसी को अनाज की ज़रूरत है या किसी को बना हुआ खाना, वो हम लोग मशवरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके बारे में तो यही कहना है अपने कि जब जब मौका आया है, कैटरेक का मौका आया है या और कोई भी मौका आया है, जैसे कि डायलिसिस का मौका आया है, अभी आपको बता दूं कि ये जनवरी फरवरी में इंशाअल्लाह ताला यही लिंबायत में ग्रुप वेडिंग यानी समूह निकाह का प्रोग्राम भी आ रहा है। इसमें हम सब मिलके यूके वाले से लेके इंडिया वाले हमारे कारी साहब सब मिलके ये बांट के काम करते हैं हम लोग। और वो जब जब जरूर पड़ी है यूके वाले मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही साहब या इनका पूरा ग्रुप जितने भी हैं वहाँ के भाई बहन सबका हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मंसूरी हो रही ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब पत्रकारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका, आप लोग आए। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ये मंसूरी हॉल है और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये फ्री में हमको दिया है तकसीम करने के लिए, अनाज तकसीम करने के लिए। आपको मालूम है जैसे सैलाब आया और ये जो भी अनाज तकसीम किया जा रहा है इसमें हमारे बड़े भाई मौलाना हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुफ्ती फलाही, उनके मुतालिकिन अहबाब, उनके मुतालिकात जो बहनें और माएँ और बेटियां हैं, इस सब के ताउन से हुआ है। और हमको तो दुआ करना चाहिए क्योंकि सारी माली मेहनतें उनकी है, जानी मेहनतें हमारी है, अल्लाह ताला सब कबूल करे जी। इस वक्त जो कीटें तकसीम हुई है वो तकरीबन 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा कीटों को इस वक्त तकसीम किया जा रहा है और ये हमारा पहला सेशन है। दूसरे सेशन में फिर हम वापस एक हफ्ते के बाद आएंगे इंशाल्लाह। किट में जैसे आम तौर पे किट बनती है जिसमें गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, शक्कर भी होती है, दूध भी होता है, तेल भी होता है और चाय की पत्ती भी होती है, ये सारी चीज़ें मतलब मिलाकर, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे हमने जो फूड पैकेट्स का प्रोग्राम किया इसी तरह भी ये सैलाब के टाइम पे भी फूड किट का प्रोग्राम किया। ऐसे जो लोग तकलीफ में इनके बारे में हम यही कहेंगे कि हर साल ये पानी का बहाव आता है, हर साल ये सैलाब आता है, ये साल इतना हुआ कि कुछ ज़्यादा सैलाब आ गया, बहुत सी बस्तियाँ उजड़ गई। हम यही बस कहेंगे कि आइंदा हमें सोचना चाहिए कि ऐसा इंतज़ाम इन हमारे भाइयों और बहनों के रहने का होना चाहिए कि इस तरह तकलीफ़ ना आए। कि ये कितनी बहनें और माएँ और बेटियाँ जो हमने सुना कि घर छोड़कर भागी है और किसी ऊपर जगह सहारा लिए, इनको ये भी नहीं मालूम कि इनका फर्नीचर है या नहीं है,
इनको ये नहीं मालूम कि इनका घर बह गया नहीं बह गया। बिचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर कोई मस्जिद के टेरेस पर तो कोई स्कूल के टेरेस पर पहुंच गई। तो आइंदा हमको ये सोचना है और एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए कि बारिश आए, बारिश तो आने ही वाली अल्लाह की रहमत है, मगर हमारे भाई बहनें बेटियों को कोई तकलीफ़ ना हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, इंसानियत के नाते किसी को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। बस लिम्बायत के ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उसमें खास करके हमारे अब्दुल हमीद भाई का, इलियास भाई का, जावेद भाई का, जुनेद भाई का, हाजी अब्दुल्ला रेलवे का, ये जो इनका भी ज़रा फ़ोटो ले ले, हाजी अब्दुल हमीद भाई जो गोया यूँ कहो कि हमारे मैन ऑफ द मैच है, कि जिन्होंने अपने आप को हलाकत में डाला, यानी अपनी जान हलाकत में डाल के हज़ारों जानों को इन्होंने और इलियास भाई ने बचाया। बस हम तो इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। कुरान में लिखा है लइन शकर तुम लज़ीदन्नकुम, तुम शुक्रिया अदा करो, अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी और मदद करेंगे। देखो यहाँ मामला ऐसा है कि यहाँ धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ मज़हब नहीं देखा जाता। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आज तक जो काम हुए हैं रिलीफ के काम और हम जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई धर्म, कोई रंग, कोई कलर कुछ नहीं देखा जाता। हम तो बस ये देखते हैं कि इंसानियत, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही सिखाया है कि ऐसे मौके पर इंसानियत को देखा जाता है, हिंदू सिख मुस्लिम इसको नहीं देखा जाता। इसलिए यहाँ जितने भी परेशान हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि उसका धर्म क्या है उसकी ज़ात क्या है, हमें कोई मतलब नहीं इससे कि उसका धर्म क्या उसकी ज़ात क्या है, हम सबका तआवुन कर रहे हैं। आपको मालूम होगा अभी बहुत बड़े शायर राहत इंदौरी जिनका इंतकाल हो गया, उनका एक बात मुझे बहुत पसंद आई, उन्होंने एक शेर कहा था कि जब मैं मर जाऊं मेरा अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बस वो हम ही उसी पर है, हमारा हिंदुस्तान पहले भी अच्छा, आज भी अच्छा और फ्यूचर भी उसका अच्छा रहेगा।